बड़ा मास्टर स्ट्रोक अब शुरू की मध्य प्रदेश में ये बड़ी योजना। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज में और मैं हूँ आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने खेला है मास्टर स्ट्रोक अब शुरू की ये बड़ी योजना क्या पर मामला जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का अपडेट न्यूज तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय जो संबंधित है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई बड़ी योजना से। तो क्या पर मामला आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का वादा कर चुकी सत्ता में आई कांग्रेस अब गरीबों को साधने की तैयारी में जुट गई है। खबर है कि अम्मा कैंटीन और दीनदयाल रसोई योजना की तर्ज पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले इंदिरा गांधी कैंटीन योजना शुरू करने के मूड में है। दर्शकों आपको बता दें इस कैंटीन में 10 रुपए में लोगों को भर पेट खाना खिलाया जाएगा। इस कैंटीन के खोलने के पीछे गरीब वर्ग को खुश करने की तैयारी है जिसका लाभ पार्टी को आगामी चुनाव में हो सकता है। हालांकि ये कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दरअसल सबसे पहले तमिलनाडु में स्वर्गीय मुख्यमंत्री जयललिता के जयललिता यानी अम्मा कैंटीन की शुरुआत की थी। इसके बाद इस कैंटीन की तर्ज पर भाजपा ने अपने अनेक राज्यों में इसकी शुरुआत की। हालांकि हर राज्य में इसका नाम बदल दिया गया था। मध्य प्रदेश में इसका नाम दीनदयाल रसोई योजना रखा गया था। इसमें 5 रुपए में गरीब तबके के लोगों को भोजन करवाया जाता है। हालांकि ये योजना उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी अम्मा कैंटीन हुई। योजना के शुरू होते ही कई गड़बड़ियां सामने आने लगी और अब इसको बंद होने की स्थिति आ गई है। कमलनाथ सरकार जल्द ही इसे बंद कर सकती है। इसी को देखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस इंदिरा गांधी कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है। इंदिरा कैंटीन में महज 10 रुपए में लोगों को भर पेट खाना मिलेगा और खबर है कि इसका प्रस्ताव कांग्रेस से जुड़े और व्यापम के विजल बोल आनंद राय ने अपना सरकार को सौंपा है। इसका कांग्रेस ने पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखकर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वर्तमान में कर्नाटक में इंदिरा गांधी कैंटीन चल रही है जिसका शुभारंभ 2017 में राहुल गांधी ने किया था। कांग्रेस कर्नाटक में पहले चरण में 101 कैंटीन खोली गई थी जिसमें हर दिन 5 रुपए में शाकाहारी नाश्ता और 10 रुपए में दोपहर का भोजन और इसी दाम में रात का भोजन मुहैया करवाया जाता है। फिलहाल कर्नाटक में 162 इंदिरा कैंटीन संचालित हो रही है। इसी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य में इंदिरा गांधी कैंटीन शुरू करने की योजना बना रही है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका कांग्रेस को फायदा मिल सके। हालांकि बीजेपी ने इस योजना को पर आपत्ति जताई है जिसका कहना है कि जब पहले से ही भाजपा सरकार की योजना चल रही है तो उसे बंद करना कहां की समझदारी है। सरकार द्वेष भावना के साथ काम कर रही है ये कहना है भाजपा के लोगों का। कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई ये बड़ी योजना संबंधित कुछ विशेष जानकारी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें इस तरह के अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।